हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 14 नवंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा मुनाफा, आपके मान सम्मान या स्थिति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र में एक अलग से भी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सको, आपकी हर जगह प्रशंसा हो, आपको मूल्यवान समझें, आपको सब जगह वैल्यू मिले, इसके लिए आज क्या करें ना करें, कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका काम समय से पूरा हो जाएगा, धन में वृद्धि होगी, आज कोई रिश्तेदार आपके घर मिलने आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किसी काम, अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसमें आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। जीवन में मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ बेहतर मौके मिलने वाले हैं, आपकी यात्रा सुखद रहेगी। आज छात्र जीवन व्यतीत करने वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि उनके लिए आज थोड़ी सी भरित वाली स्थिति रह सकती है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान कहीं और आपका भटकता रहेगा, आज रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऑफिस में आज आपके सभी कामों से पूरे होंगे और सभी काम बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। कई मामलों में आप बेहद व्यवहारिक रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ भावनाओं को उनकी समझने का कोशिश करें, आपको संवेदनशील और भावुक भी हो सकते हैं। आज किसी काम में अपने दोस्तों का सहयोग मिल सकता है, शाम तक आपको ये अच्छी खबर मिल सकती है जिससे कि आपका दिन काफी बेहतर गुजर जाएगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि सिंह राशि वाले जातक जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, आपके व्यापार में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं को निपटारा करने के लिए, आपके आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार के दिन आपको भोले बाबा के मंदिर पर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के उपरांत आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान होगा, आपके रुके हुए कार्य सारे पूर्ण हो जाएंगे, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही समस्याएं, आपके व्यापार में आ रही रुकावट या फिर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हो उसमें अगर कोई बाधा पहुंचा रही है, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने में सक्षम हो पाओगे, अपनी आर्थिक स्थितियां काफी हद तक मजबूत कर पाओगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है, खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, बेफिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और किसी से भी वाद विवाद ना करें। ऐसा करने से आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर वाद विवाद करते हैं तो आपको काफी नुकसान उठानी पड़ सकती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय